हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। क्लास है ये देखिएगा सेकंड और चैप्टर थर्ड। इस चैप्टर में नाम है इसका चैप्टर का ग्रोइंग अप। तो यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर कि हाउ यू ग्रो, आप कैसे बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे ना, छोटे बच्चे होंगे ना, तो छोटे बच्चे से अभी आप दूसरी क्लास में आ गए हैं, फिर तीसरी में जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मैन बन जाएंगे। तो किस ढंग से पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, यही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, इसमें एक मिस्टी है। ये मिस्टी अब 6 साल की हो गई है। ये देखा ना, नाउ आई एम 6 ईयर ओल्ड। तो एक दिन वो मम्मी से पूछती है कि मम्मी हाउ डिड आई लुक, मैं कैसी दिखती थी व्हेन आई वाज ए स्मॉल बेबी, जब मैं छोटी बच्ची थी। तो मम्मी कहती है आई विल शो यू सम फोटोग्राफ्स व्हेन यू आर ए स्मॉल बेबी, जब आप छोटी बच्ची थी तो हमने आपके कुछ फ़ोटो खींचे थे, मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये देखो, वो फोटोग्राफ्स एल्बम में देख रही है। एल्बम किसे कहते हैं, जिसमें फ़ोटो संभाल कर रखे जाते हैं। तो मिस्टी अचानक उसको झटका सा लगता है और सोचती है अरे मम्मी इज दिस मी, क्या मैं हूँ। बड़ी छोटी सी थी ना, वो पहचान नहीं पाई। यस, मम्मी कहती है यस। तो वैन मिस्टी वाज ए बेबी शी कुड नॉट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, क्योंकि छोटे बच्चे देखो अपने आप से देखभाल नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना अच्छी तरह से कोई काम कर सकते हैं, कपड़े नहीं पहन सकते। तो इनकी देखभाल कौन करता है, उसकी उनकी मम्मी और उनके पापा उनकी देखभाल करते हैं। अब वो एक बच्ची हो गई है तो इसलिए वो चल सकती है, बात कर सकती है और अपने आप खा भी सकती है। वो स्कूल जाती है, वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सीखती है, डिफरेंट थिंग्स अराउंड और चार तरफ जो। तो अब आप देखेंगे ये हैं डिफरेंट स्टेजेस। सबसे पहले छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके बाद में वो चाइल्ड बन जाता है, उसके बाद में यंग गर्ल बन जाता है, यंग गर्ल के बाद में वो लेडीज बन जाती है, लेडी के बाद में वो ओल्ड लेडी या फिर ओल्ड वोमेन भी कह सकते हैं, वो बन जाती है। इसी प्रकार से जो बॉय होता है उसके भी स्टेजेस हैं। सबसे पहले ये बेबी रहेगा, बेबी बॉय, उसके बाद में चाइल्ड बन जाएगा, यंग गर्ल की जगह क्या आ जाएगा, बॉय, लेडी की जगह आ जाएगा मैन, और ओल्ड लेडी की जगह आ जाएगा ओल्ड मैन। यानी कि जैसे अब आप क्या हैं, चाइल्ड हैं, आपके घर में बड़ी सिस्टर हुई तो वो यंग है, आपकी मम्मी लेडीज़ में आ जाएंगी और आपकी जो ग्रेनी है वो ओल्ड लेडी में आ जाएगी। इसी प्रकार से बॉय के बारे में बात कर सकते हैं, अगर आप बॉय हैं तो पहले बेबी रहे होंगे, अब आप चाइल्ड बन गए हैं, उसके बाद में आप यंग बॉय बनेंगे, जो आपके फादर हैं वो मैन हो जाएंगे और जो आपके दादाजी हैं वो ओल्ड मैन होंगे। तो ये है स्टेजेस आपके लगातार बच्चे से यानी कि बेबी से ओल्ड वुमेन तक की जर्नी। समझ आ गया आप? अब आप चलते हैं कि जो पीपल्स होते हैं वो अलग अलग कैसे दिखते हैं। देखो, इनको देखने के लिए कई प्रकार की हमें पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, किसी की स्किन का कलर कैसा होता है, आई का शेप कैसा होता है, नोज की शेप कैसे होती है, ईयर की शेप कैसे होती है, ये सब चीज़ें हमको डिफरेंट बना देती हैं। इसके अलावा हमारे जो बालों का कलर है, कलर ऑफ हेयर, ये भी हमको देखने में डिफरेंट बना देता है। तो सारी चीज़ें आपने सुनी, सारी चीज़ें जानी, यानी कि पहले हम चाइल्ड, चाइल्ड से पहले बेबी, उसके बाद में यंग, उसके बाद में मैन या वोमेन, उसके बाद में ओल्ड मैन, जैसे कि आपके दादा दादी, मम्मी पापा आपके लेडीज एज मैन हैं, आपकी सिस्टर बड़ी हो सकती है वो यंग हो सकती हैं, और आप चाइल्ड हैं और चाइल्ड से पहले आप बेबी थे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इनके आपका आंसर मिल जाएंगे, आप छांटने की कोशिश करें, मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक यू बेबीज ऑफ एनिमल आल्सो, क्योंकि जो पशुओं के जो बच्चे हैं वो भी बिल्कुल आपकी तरह ही ग्रो करते हैं, वो भी पहले बेबी होते हैं, फिर चाइल्ड बनते हैं, फिर जवान बन जाते हैं, यंग बन जाते हैं, उसके बाद में वो
एडल्ट बनते हैं उसके बाद में वो ओल्ड हो जाते हैं। तो ए बी भी कैन नॉट अपने आप क्या नहीं कर सकता, सो तो सकता है, खा नहीं सकता है, चिल्ला सकता है, रो सकता है, लेकिन बच्चा अपने आप खा नहीं सकता, इसलिए अब यहाँ पर क्या आएगा, ईट। ए बेबी ग्रोज इन टू, ए बेबी किस में ग्रोज बताया था हमने आपको, मैन में नहीं, हाँ चाइल्ड बन जाता है, तो चाइल्ड में आप निशान लगाएंगे। वी लुक ऑल डिफरेंट बिकॉज ऑफ अवर, हम अलग अलग कैसे दिखते हैं, सूज से अलग अलग, सूज पहनने से अलग अलग नहीं दिखेंगे ना, साइज एंड शेप, हाँ साइज एंड शेप से, क्योंकि हमारे साइज और शेप हमें डिफरेंट बना देता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, बाकी अगर आप नहीं कर पाए तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तब तक इंतज़ार करें, धन्यवाद।